और अब बात उस सवाल की जिसने सूबे की सियासत में भूचाल ला दिया है, क्योंकि यूपी की तस्वीर जहां साफ हो चुकी है फिर से भाजपा की सरकार बन गई है, तो वहीं पोस्टल बैलेट का जिक्र कर अखिलेश यादव ने ईवीएम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है जिसमें लिखा है कि उन्हें पोस्टल बैलेट से 51.5% वोट मिले, लेकिन ईवीएम ने खेल बिगाड़ दिया, इसलिए हमने लिख दिया है कि अगर ऐसे होता चुनाव तो सीएम होते अखिलेश। यूपी की लड़ाई पोस्टल बैलेट पर आई, जीते नहीं सीट तो ईवीएम नहीं ठीक। 273 सीट जीतकर भाजपा ने यूपी में नया इतिहास रच दिया। वही समाजवादी पार्टी ने पोस्टल बैलेट पर मिले वोट को अपनी जीत का आधार बताया और सूबे की सियासत में ईवीएम वाला तड़का लगा दिया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है जिसमें पोस्टल बैलेट का जिक्र किया गया और कहा गया सपा गठबंधन को पोस्टल बैलेट में 51.5% मिले वोट 304 सीट पर सपा की जीत की गवाही दे रहे हैं। गौरतलब है कि अखिलेश यादव से पहले यही बात स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी कही थी। बैलेट पेपर वोटिंग में समाजवादी पार्टी 304 पर जीती जबकि भाजपा मात्र 99 पर, लेकिन ईवीएम की गिनती में भाजपा कैसे जीती ये अपने आप में एक सवाल छोड़ जाती है। 304 सीट पर जीतने वाली समाजवादी पार्टी पीछे हो गई, 99 पर जीतने वाली बैलेट पेपर वोटिंग में भाजपा आगे हो गई। अखिलेश यादव के ट्वीट के बाद सियासत गर्मा गई तो भाजपा भी पलटवार के मोड में आ गई। दूसरी बात, इसको कहते हैं नाचना या आंगन टेढ़ा, और इसको कहते हैं खिजानी बिल्ली खंबा नौचे। पोस्टल बैलेट एक अलग वर्ग होता है, जो एक होते हैं कि अब पैरामिलिट्री फोर्स और फौज के लोग डालते हैं, एक अन्य सरकारी कर्मचारी डालते हैं, वो एक अलग क्लास है। लेकिन इन सब के बीच सवाल बड़ा है क्योंकि पोस्टल बैलेट के जरिए जहां भाजपा गठबंधन को 1,47,407 वोट मिले, वहीं सपा गठबंधन को 2,27,234 वोट, यानी करीब 80,000 वोट सपा को ज्यादा मिले। और अब इसी को लेकर समाजवादी पार्टी हमलावर है और निशाने पर ईवीएम है। वहीं एक निशाना ओम प्रकाश राजभर ने भाजपा और बसपा के मेल पर भी साधा। राजभर ने आरोप लगाया कि पूर्वांचल की सीटों पर बसपा के उम्मीदवारों का नाम भाजपा के कार्यालय से तय हुआ। बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का मेल हो गया जो यूपी में बड़ा खेल हो गया। पूर्वांचल में 122 सीटें ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में प्रत्याशी तय हुए और बहुजन समाज पार्टी कार्यालय में सिंबल मिला है। उसका सबूत साक्ष्य मैं दे सकता हूं, अगर कोई चुनौती दे तो मैं उसको भी देने के लिए तैयार हूं। गौरतलब है कि सपा की हार के पीछे बसपा का ही वोट बैंक है जिसको लेकर कहा जा रहा कि वो भाजपा की तरफ शिफ्ट हो, जिससे सपा की साइकिल 125 के स्कोर पर रुक गई और भाजपा बहुमत के आंकड़े से कहीं आगे 273 पर पहुंच गई। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि पोस्टल बैलेट को लेकर जो लड़ाई शुरू हुई है, क्या वो खत्म होगी या फिर दूर तलक जाएगी, क्योंकि विपक्ष बार बार ईवीएम पर सवाल उठाता रहा है और पोस्टल बैलेट से चुनाव कराने की मांग करता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।